बैतूल के बडोरा में आज आम आदमी पार्टी द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन। बैतूल आम आदमी पार्टी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपने उम्मीदवारों के नाम घोषित करे। वहीं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में होने वाली और नगरपालिका में होने वाले चुनाव के मुद्दों को सामने रखा। साथ ही ये भी कहा कि जमीनी स्तर पर जो ज्वलंत समस्या है उसको लेकर आम आदमी की पार्टी अपने प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतार रही है और मुद्दों को लेकर आगामी चुनाव की रणनीति बनाने के साथ साथ दोनों राजनीतिक पार्टियों के समक्ष जमीनी स्तर पर काम करने की बात कर रही है। वहीं उनका मानना है कि जमीनी स्तर पर कार्यकर्ता अपने काम करेंगे। पार्टी खड़ी हुई है, क्या नई चीजें लेकर आई है आम आदमी पार्टी? दिल्ली मॉडल के आधार पर आज जो है पूरे मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ने जा रही है। अपना 4C फार्मूला जो है, कैरेक्टरलेस, क्रिमिनल, करप्शन और कम्युनल, इन चारों चीज़ों के फार्मूलों को आम आदमी पार्टी अपने प्रत्याशियों के बीच में रख रही है। स्टाम्प पेपर लेकर आम आदमी पार्टी हर वार्ड में, हर गली में, हर घर में आम आदमी पार्टी क्या करने जा रही है, अपने घोषणा पत्र में स्टाम्प पेपर भी दे रही है। अन्य राज्य के आम आदमी पार्टी ने अभी वर्तमान में जिस प्रकार से हमने पहली बार मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव में अपने प्रत्याशी उम्मीदवार उतार रही हैं, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में हम अपने उम्मीदवार उतार रहे हैं, जिसमें हमें जनता का एक मत प्राप्त हो रहा है कि इस बार बदलाव जो होने वाला है, क्योंकि पहली बार निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में आम आदमी पार्टी के समर्थित उम्मीदवार चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ये छोटी छोटी समस्याओं को लेकर चुनाव होते हैं, जो दैनिक दिनचर्या होती है उसको लेकर चुनाव होते हैं, और इन चुनावों में मुख्यमंत्री और अगर प्रधानमंत्री की कोई राजनीतिक पार्टी बात करती है कि मोदी जी ने ये किया, कमलनाथ जी ने ये किया, तो मुझे कहना पड़ेगा कि जमीनी स्तर पर शौचालय बनाने के लिए नरेंद्र मोदी को आना चाहिए, कमलनाथ को आना चाहिए, शिवराज सिंह चौहान को आना चाहिए, और इनके शौचालयों को देखना चाहिए, इनके निर्माण कार्यों को देखना चाहिए। तो आम आदमी पार्टी जमीनी स्तर के कार्यों को करने के लिए तत्पर है, संकल्पित है। आम आदमी पार्टी